हाइक स्टार्टिंग अपंट जिसमें हम आ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिसकस करेंगे फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ नाइन्थ स्टैंडर्ड इसको हमें पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जो बार वाले क्वेश्चन वेरी लाइक द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल सबसे ईजी वेराइटी से आपसे शुरू करूँगा जैसे लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग अप इज ज़ीरो पॉइंट फाइव बार जीरो पॉइंट फाइव बार इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं हम क्या करते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू वट आई हैव जीरो पॉइंट फाइव बार नाउ दिस आई कंसिडर अप एज इक्वेशन वन अब अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो यहां सिर्फ एक नंबर है जिसके ऊपर बार है तो वट आई डू इट अप इन दिस केस मल्टीप्लाइंग प्लाइंग बोथ साइड बाई टेन हम दोनों साइड को टेन से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे इल बिकम टेन एक्स फाइव बार का मतलब है पॉइंट फाइव 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 चलता जा रहा है जैसे मैं उसको टेन से मल्टीप्लाई करूंगा फाइव बार का मतलब क्या है इट इज़ जीरो पॉइंट फाइव 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 एंड सो ऑन ठीक है जैसे मैंने फाइव से उसको मल्टीप्लाई किया तो एक फाइव क्या होगा इधर शिफ्ट होगा और जीरो ये जो डेसिमल है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा ठीक है तो वट आई गेट मेरे पास यहां पे क्या आएगा 5.5 पॉइंट फाइव बार ठीक है टेकिंग दिस वन एज इक्वेशन टू सब्ट्रेक्टिंग सब इक्वेशन टू फ्रॉम वन सॉरी वन फ्रॉम अगर मैं वन फ्रॉम टू करता हूँ दैट मीन्स वट आई हैव टेन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू फाइव पॉइंट फाइव बार माइनस जीरो पॉइंट फाइव बार तो वट आई गेट फ्रॉम हेयर नाइन एक्स इज इक्वल टू वट आई गेट फाइव एक्स की वैल्यू क्या आएगी दिल कम आउट टू बी वट फाइव बाई नाइन ठीक है क्वेश्चन नंबर वन नाउ नेक्स्ट वट आई गेट फ्रॉम हेयर मेरे पास नेक्स्ट क्या आता है ध्यान से देखें नेक्स्ट आई टेकअप इन दिस केस एज वॉट अब जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया 0.23 बार अब क्या है दो के ऊपर बार है तो हम क्या करते हैं है? हम करेंगे लेट 0.23 बार तो हमने क्या किया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स साइड्स बाय 100 अब ये हंड्रेड से मल्टीप्लाई क्यों हुआ हंड्रेड से मल्टीप्लाई इसलिए हुआ क्योंकि दो नंबर है दोनों के ऊपर बार है तो वट आई गेट फ्रॉम हेयर आई गेट हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू वी गेट टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू थ्री बार नाउ दिस वन इज इक्वेशन वन दिस इज इक्वेशन टू अब यहां पे भी क्या होगा सब इक्वेशन वन फ्रॉम टू अगर इक्वेशन वन फ्रॉम टू लेते हो तो ये क्या आएगा हंड्रेड एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी बार इज इक्वल टू नाइंटी नाइन एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री इज इक्वल टू वॉट वी हैव ट्वेंटी थ्री बाई नाइन ठीक है दिस इजी पक्का कोई दिक्कत नहीं है I'll take up one, next लेते हैं। यहाँ पे क्या है जैसे मेरे पास क्या आ गया जीरोक्वल टू जीरो पॉइंट टू थ्री वन बार अब तीन नंबर के ऊपर बार है तो आईल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय थाउजेंड मल्टीप्लाइंग बोथ साइज बाई थाउजेंड अगर मैं इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगाक्वल टू टू थ्री वन पॉइंट टू थ्री वन बार कंसिडर दिस वन एज इक्वेशन वन एंड दिस वन एज इक्वेशन टू सब्ट्रैक्टिंग

तो हम क्या करते हैं जैसे क्वेश्चंस में व्हाट आई डू इट अप इन दिस केस लेट एक्स इज इक्वल टू व्हाट आई गेट इन दिस केस जीरो पॉइंट टू थ्री वन बार मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय टेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय टेन टेन क्यों क्योंकि पहले जिसके ऊपर बार नहीं है वो सिर्फ एक ही नंबर है जब एक पहले सबसे पहले उस नंबर को डेसिमल से पहले लाना है जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसको अगर मैं डेसिमल से पहले लाऊंगा तो ये क्या होगा 2.31 बार हो जाएगा ठीक है नाउ कंसिडर दिस वन एज दिस वॉज इक्वेशन वन दिस इज आई एम टेकिंग अप एज टू ठीक है अब मेरे पास जो नेक्स्ट नंबर है उसमें क्या है जैसे मेरे पास नेक्स्ट जो है दो नंबर के ऊपर बार है अब क्या है पहले क्या था सिर्फ एक नंबर के ऊपर नहीं था हमने से किया अब जो बचे हैं दोनों नंबर दोनों के ऊपर अगर दोनों को दूसरी पॉइंट से उधर शिफ्ट करना है बाय तो हंड्रेड अगर मैं इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या आएगा मेरे पास 1000x थाउजेंड एक्स इज इक्वल टू टू थ्री वन पॉइंट थ्री वन बार दिस इज अक्वेशन थ्री सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम थ्री अगर टू को थ्री से सबट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आएगा 1000x थाउजेंड एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टू थ्री वन पॉइंट थ्री वन बार माइनस टू पॉइंट थ्री वन बार तो ये मेरे पास क्या आता है नाइन नाइन्टी एक्स इज इक्वल टू वाट पी के टू ट्वेंटी नाइन तो x इज इक्वल टू वाट पी के टू ट्वेंटी नाइन बाय नाइन नाइंटी ठीक है, दिस इज वट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ ओनली चेंज आई इनिमल जैसे मेरे पास पे क्या है? 3, सिर्फ 1 के बार है, अब क्या है? सिर्फ वन के ऊपर बार है तो वट आई डू इट अप इन दिस क्वेश्चन टू जीरो पॉइंट टू थ्री वन बार मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय multiplying both sides by 100 agar main dono side ko 100 se multiply karta hu to what i get from here 100x is equal to 23.1 bar now considering this as equation 1 and this one as equation 2 ठीक है अब मेरे पास पहले दो के ऊपर bar नहीं था इसलिए मैंने 100 से multiply किया एक के ऊपर अब bar है तो now I'll multiply both sides by टेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बाय टेन अगर मैं दोनों साइड को टेन से मल्टीप्लाई करता हूं तो यह क्या हो जाएगा थाउजेंड एक्स इज इक्वल टू टू थर्टी वन पॉइंट वन बार ठीक है नाउ दिस इज द इक्वेशन थ्री नाउ फ्रॉम सब ट्रेक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम थ्री अगर दो को तीन से सबट्रैक्ट करोगे तो एक क्या है थाउजेंड एक्स माइनस हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू टू थ्री वन पॉइंट वन बार माइनस ट्वेंटी थ्री पॉइंट वन बार तो दैट कम्स आउट टू बी वट आई हैव इट आउट इन दिस केस नाइन हंड्रेड एक्स Uh, now 31 thirty one twenty three. This comes out to be what I get two zero eight. Am I clear? Okay, right. Now what we are having up in this case two zero eight by nine hundred. So now my pass What simplify this? This is one zero four by four fifty. Or this is fifty two by two टू फाइव तो यहाँ पे ये क्या वैल्यू आएगी फिफ्टी टू बाई टू टू फाइव आई होप को नहीं है fine. Now. अब next मेरे पास क्या आता है like इसी इसी टाइप का मेरे पास जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है जीरो पॉइंट टू थ्री वन सेवन अब यहाँ पे क्या है अब यहाँ पे इफ़ आई पुट अ बार ऑन थ्री इसको लूंगा अगर पहले वाला केस ये लूंगा तो हम क्या करेंगे फर्स्ट आयल मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम प्रोसीजर चलेगा पहला क्या होगा फर्स्ट आयल मल्टीप्लाई बाय टेन क्योंकि एक के ऊपर बार है फिर तीन के ऊपर बार है आइल मल्टीप्लाई दिस बाय वॉट वी हैव थाउजेंड ठीक है और फिर मैं दोनों को सब करके x की वैल्यू निकालूंगा अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है 0.23 वन सेवन बार तो हम उस केस में क्या करेंगे पहले आय मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड क्यों क्योंकि मेरे पास क्या सिर्फ दो के ऊपर बार है सॉरी दो के ऊपर बार नहीं है पहले जो डेसिमल जिनके ऊपर बार नहीं है उनको डेसिमल से पहले लाएंगे फिर दोबारा हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो वो क्वेश्चन दो क्वेश्चन जिनके ऊपर बार है दो नंबर वो जिनके ऊपर बार है ठीक है देन इफ आई हैव अ नंबर एज वॉट आई हैव नेक्स्ट मेरे पास जैसे क्या लेता हूँ जीरो पॉइंट टू थ्री वन सेवन सेवन के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे इस केस में पहले आय मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड क्योंकि तीन नंबर हैं जिनके ऊपर बार नहीं है फिर एक नंबर है जिसके ऊपर बार है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा टेन से और आखिरी दो तो जो इक्वेशन आएंगी उनको वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ठीक है ये जितने भी मेरे पास आंसर आए जैसे इफ आई सी दिस वन अगर मैं इसको देखूँ या इससे पहले इनको देखूं अगर मैं इनको वापस डिवाइड करूंगा और सेसिमस में लाऊंगा आई हैव दिस एज अ आंसर इसको अगर मैं दोबारा डिवाइड करता हूँ और वापस लाता हूँ तो मेरा आंसर यही आएगा इसको वापिस डिवाइड करता हूं और सॉल्व करता हूं तो आंसर यही आएगा ठीक है एंड दिस इज द वे वी सॉल्व इट बार के क्वेश्चन हमारे पास इसी मैथड से सॉल्व होते हैं ठीक है सो टेक केयर ऑफ इट टूडे वी डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और पूरी उम्मीद होती है नाइन्थ के फाइनल में एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस जरूर आएगा टेक केयर ऑफ इट सो प्लीज डोंट टेक इट लाइटली ये एक वेराइटी जरूर कवर कर लेना दिस इज वन ऑफ द मे बी वन मार्कर में आए टू में आए थ्री में आए दैट डिपेंड्स बट एक क्वेश्चन बेयर मिनिमम जरूर आएगा टेक केयर एवरीबडी बाय